इमरान खान ने पहले कहा इतना बहादुर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, समझ गया। तो वो मोदी का और इमरान का क्या मुकाबला है? ये तो आप एक बकरी और शेर का मुकाबला करवा रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो आप मतलब ये है कि इतना ज़बरदस्त, वो सिर्फ ये है कि वो अपना एक तदब्बर और फिक्र और विजन से काम ले रहा है कि जिस वजह से, लेकिन उनकी बातें आप सुन लें, उस बातों में बहुत साफ बात है कि हम पीछे भी नहीं हटेंगे और हमें अगर एक्सट्रीम पे जाना पड़ा तो फिर ये हो जाएगा कि नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान बल्कि ये जो आग है ये पूरी दुनिया में। आप उन लोगों से कोई अच्छी उम्मीद ना रखें, वो किसी झाड़ी में छुप के आपको मार दें, फ़ायदा क्या है? आप नहीं, हम लड़के मरने वाले हैं शेरों की तरह। तो आप जो जो आदमी भी हमारा इंटेलेक्चुअल है, हमारा स्पोर्ट्समैन है या जो भी है, वो टीवी पे आए अपने आइडियाज़ को अपना गवर्नमेंट को दे कि ऐसे कर ले। जैसे मैं कह रहा हूँ कि नेशन को ना जहाद के लिए तैयार करो और उसके बाद उनको ट्रेन करो, ट्रेन करने के बाद वो कहे कि जी हम पूरी नेशन लड़ेगी इनके साथ। तो ये तो एक बात हुई कि भी हाँ, तो अपने आइडियाज़ दें ताकि वो आइडियाज़ जो है गवर्नमेंट भी सुने, फौज भी सुने, उसमें अगर उनको कोई पसंद आ जाए किसी की भी बात तो ये बहुत उम्दा और अच्छी बात। हम आपसे हर किस्म का डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। उस मॉडर्स बिहेवियर का इन्होंने ये फ़ायदा लिया कि शायद पाकिस्तान डर गया है, और पाकिस्तान नहीं डरता, और फिर इमरान खान जैसा वो डरने वाला है? इमरान खान तो बाबा उस जितना बहादुर आदमी तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसने अल्ताफ़ हुसैन को उस वक़्त ललकारा जब अल्ताफ़ हुसैन से मालकान टीवी डरते थे, एंकर सारे डरते थे और सब लोग डरते थे। तो हमें हमारी गुड लक है कि हमें जितने भी लोग हमारे ऊपर हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आसिफ गफूर साहब, और अल्लाह की मेहरबानी से जो अवाम के अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, इसको अगर हमने एक नारा दे दिया कि यार हमने अपनी जान भी देनी है इस कंट्री के लिए और इन लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए, तो उस अगर अल्लाह की मेहरबानी से गुर्बत को उसने कंट्रोल कर लिया और इकोनॉमी को उसने ठीक कर लिया, तो इस जैसा लीडर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। ये वो लीडर है जिसने फर्स्ट टाइम ट्रंप के सामने बैठ के टांग पे टांग रख के जिस इंटेग्रिटी के साथ, जिस प्राइड के साथ बैठ के उसने गुफ्तगू की और जिस खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया, ये आज तक ना देखा गया और ना ही किसी में हिम्मत थी। मैं समझता हूँ कि ये 70 साल से जो केस कश्मीर का था, ये मोदी ने छलांग लगाई है आग में, और जिस तरीके से इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर इस केस को इतना ओपन किया, ये 70 साल में पहले देखने को नहीं मिला। अब जो बात है इस वक्त की, जो स्टैंडिंग है वो ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो घरों में बंद हैं, जिनके घरों को कैद बना दिया गया, इस पर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि उनको आज़ादी कैसे दिलाई जाए। ये मोदी जो है इससे झूठा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये वादा खिलाफी करता है, ये खुद कोई काम करता है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, और ये बंदा जो है, आप किसी से उम्मीद ना लगाएं कि जी ट्रंप काम आ जाएगा या फलां काम आ जाएगा। ओ भाई, किसी गांव का एक चौधरी भी होता है ना, वो भी जब दो बंदों को बुलाता है तो कह देता है कि हाँ ये भी मेरा दोस्त मुकाबला करवा रहे हैं। इस जैसा लीडर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। इमरान खान मैंने पहले कहा इतना बहादुर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर अल्लाह की मेहरबानी से गुर्बत को उसने कंट्रोल कर लिया और इकोनॉमी को उसने ठीक कर लिया, तो इस जैसा लीडर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। ये वो लीडर है जिसने फर्स्ट टाइम ट्रंप के सामने बैठ के टांग पे टांग रख के जिस इंटेग्रिटी के साथ, जिस प्राइड के साथ बैठ के उसने गुफ्तगू की और जिस खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया, ये आज तक ना देखा गया और ना ही किसी में हिम्मत थी। मैं समझता हूँ कि ये 70 साल से जो केस कश्मीर का था, ये मोदी ने छलांग लगाई है आग में, और जिस तरीके से इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर इस केस को इतना ओपन किया, ये 70 साल में पहले देखने को नहीं मिला। इमरान खान सब कुछ कर सकता है। इमरान खान मैंने पहले कहा इतना बहादुर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, समझ गया। तो वो मोदी का और इमरान का क्या मुकाबला है? ये तो आप एक बकरी और शेर का मुकाबला करवा रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो आप मतलब ये है कि इतना जबरदस्त, वो सिर्फ ये है कि वो अपना एक तदब्बर और फिक्र और विजन से काम ले रहा है। आप किसी से उम्मीद ना लगाएं कि जी
ट्रंप काम आ जाएगा या फलां काम आ जाएगा। और भाई किसी गांव का एक चौधरी भी होता है ना, वो भी जब दो बंदों को बुलाता है तो कह देता है कि हाँ ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, लेकिन फैसला करवाता है कि कौन हक पे है और कौन झूठ पे है। हमें ट्रंप के साथ जो भी इंटरनेशनली डोमेस्टिक इंटरनेशनली हमने जो भी डेमोक्रेसी के साथ जो भी उनसे डील करनी है वो करते रहें, लेकिन अपनी प्लान इस पे लेकर आए कि हम वो जो कश्मीर में तड़े हुए लोग हैं, जो कैदी बन चुके हुए हैं। बाबा मैंने तो करबला के वाकये जरूर सुने हैं, लेकिन इससे बड़ा सानिया मैंने नहीं देखा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इंडिया सैंडविच बना हुआ है इस वक्त। आप देखें पाकिस्तान से बड़ा एक पाकिस्तान इंडिया के अंदर है, जहां पे कोई 25 करोड़ लोग जो हैं बड़े तंग हैं, उनसे बड़े जुल्म इसने किए गुजरात का।